हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल और एक्सेल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है सम इफ और सम इफ। ठीक है, सम मतलब किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए इसमें सैलरी है, टोटल करना। ठीक है, सम इफ का टोटल सैलरी का ही करना पर किसी कंडीशन के बिहाफ पे, कोई कंडीशन दी होगी आपको। और सम इफ मतलब कि सैलरी का ही टोटल करना पर एक से ज्यादा कंडीशन पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सम कैसे होता है, फिर सम इफ, फिर सम इफ। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय। मतलब जितने भी एम्प्लॉय हैं आपके, इनका क्या करना है, ये सैलरी सबकी जोड़ के टोटल सैलरी हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम का, और फॉर्मूला एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इज इक्वल टू, उसके बाद सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद हम टैब दबाएंगे, फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद हम D5 से D18 तक पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। ठीक है, तो आपका टोटल सैलरी आ गया 3,35,000। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं समीर, सम इफ में क्या है कंडीशन के साथ। तो देखिए अब क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ ओनली नॉर्थ जोन इंप्लॉय। तो जितने आपके इंप्लॉय हैं जो नॉर्थ जोन में काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं की सैलरी हमें जोड़ना है। ठीक है, तो हम यहां क्या लगाएंगे, सम इफ, तो इज इक्वल टू सम इफ टैब। देखिए अब रेंज पूछ रहा है कि आपका रेंज क्या है, मतलब कि आपका नॉर्थ जोन इसमें कहा है, नॉर्थ जोन किसमें है, जोन वाले में। तो नॉर्थ से लेके पूरा साउथ तक, मतलब C5 से C18 तक कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर पूछेगा क्राइटेरिया कि आपको किस क्राइटेरिया पे ढूंढना है, मतलब। ठीक है, तो हमने कहा क्वेश्चन में क्या कहा, सिर्फ नॉर्थ जोन, तो हम नॉर्थ को क्लिक कर देंगे, फिर कॉमा करेंगे। अब पूछेगा सम रेंज, जोड़ना किसको है, तो हमने कहा सैलरी को। जैसे ही आप ये करेंगे आपको ब्रैकेट बंद करना है और इंटर। तो देखिए आ गया 1,05,000। ये क्या है, सिर्फ नॉर्थ जोन की सैलरी है, जितने इंप्लॉय हैं नॉर्थ जोन में उनकी सैलरी है। ठीक है, सम इफ हमने क्या बताया था, एक से ज्यादा कंडीशन को जोड़ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट द टोटल सैलरी ऑफ नॉर्थ जोन एंड एचआर डिपार्टमेंट। तो सिर्फ किसका करना है, वो लोग जो नॉर्थ जोन में काम करते हैं और एचआर डिपार्टमेंट में भी। ठीक है, आइए यहां सम इफ लगाते हैं, इज इक्वल टू सम इफ टैब। देखिए पूछ रहा है सम रेंज, सम रेंज मतलब कि जोड़ना किसको है, तो हमने कहा सैलरी को, ये पूरी रेंज ले लेंगे, फिर कॉमा करेंगे। अब पूरा क्राइटेरिया रेंज वन, तो हमारा क्या है क्राइटेरिया, पहला नॉर्थ जोन, तो क्राइटेरिया रेंज वन ये हो जाएगा, कॉमा क्राइटेरिया वन हमारा नॉर्थ हो जाएगा, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू, तो एचआर डिपार्टमेंट, तो ये किसमें है आपका, डिपार्टमेंट में है, तो ये पूरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा करेंगे। अब क्राइटेरिया टू, तो क्या है एचआर, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे एचआर वाला सेल, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और हम इंटर कर देंगे। तो देखिए कितना आ गया 60,000। अब देख सकते हैं आप लोग, ये अशोक जो हैं ये एचआर में तो काम करते हैं पर ये वेस्ट में हैं। ठीक है, इसलिए इनका नहीं जुड़ा है, सिर्फ किसका जुड़ा है, जो जो आदमी एचआर के हैं और नॉर्थ जोन में, तो उनका यहाँ टोटल आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है सम, सम इफ और सम इफ। सम मतलब बिना कंडीशन के सिर्फ पूरी सैलरी जोड़ दिए, सम इफ मतलब कंडीशन, मतलब सिर्फ नॉर्थ जोन के एम्प्लॉय का सैलरी जोड़ दिए, और सम इफ मतलब वो एम्प्लॉय जो नॉर्थ जोन में है और एचआर डिपार्टमेंट में है, तो उनकी भी सैलरी हम जोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।